अभी हम लोग आ गए हैं मैसूर पैलेस, हमारे पीछे ही है मैसूर पैलेस, बट यहाँ से नहीं दिख रहा, मैं आपको दिखाऊंगी, रुको। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, एंट्रेंस करेंगे, एंट्रेंस आई थिंक वहाँ से होगा, पता नहीं कहाँ से, बट टाइम बहुत कम है हम लोग के पास और बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छा लग रहा है। बाकी तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ का जो वेदर है, ओह माय गॉड, आई एम टू हैप्पी विद द वेदर। बिल्कुल भी सनी नहीं है, इतना प्लेजेंट वेदर मैसूर में है कि मतलब मन खुश हो गया। और यहाँ से भी हम लोग टिकट लेने जा रहे हैं, टिकट काउंटर, आई थिंक 40 रुपीज़ पर पर्सन है यहाँ पे टिकट, विच इज़ एक्चुअली गुड। लाइन है यहाँ पे लंबी, लेट्स सी हाउ इट गोज। मचा वेदर इतना अच्छा, तू कुछ भी खा। क्या खाना है फिर आप लोग को? कुछ भी, कुछ भी। हम लोग आ गए हैं मैसूर पैलेस में, जो कि हमारे पीछे है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे हम लोग को अभी पहले सिंगल जमा करानी है, टिकट आप का भी कराना है और इसके बाद फिर हमें अंदर जाने को मिलेगा। तो अंग्रेज बैठे हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ हम लोग घूमने आए हैं जो इतनी भीड़ में लोग भागे जा रहे हैं। क्यों है? They have time. Wow, वहाँ से कितना अच्छा लग रहा है। क्राउड देख के वो घबरा गए। वो सोच रहे होंगे यार जाए कि नहीं जाए। मेन एंट्रेंस वहाँ है और यहाँ पे चारों तरफ से एंट्रेंस है। पैलेस के अंदर हम लोग को शूज अलाउड नहीं है, यहाँ पे शूज अलग से सबमिट होते हैं। यहाँ पे पंखा भी लगा रखे ताकि सबको हवा लगती रहे। काफी बेहतरीन इंटीरियर है इसका। इतनी अच्छी यहाँ पे नक्काशी कर रखी है पत्थरों से, कलरफुल भी है बहुत ज्यादा। वाओ है भाभी, कितना कलरफुल लग रहा है, बहुत सब पत्थरों से। तो ये इंटीरियर से यहाँ पे एंट्री नहीं है, लेकिन ये इंटीरियर से बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। ऊपर गगन भी दिख रहा है। ओहो वाओ, काफी सुंदर इंटीरियर है ना भाभी? Oh my God, ऐसा लग रहा है इसमें समाएगा ही नहीं। ये स्टाफ ऑफिसर दिए हैं यहाँ पे उस जमाने में, एंड वाओ कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं उस जमाने में। जय लक्ष्मी एंड हर डॉटर लीलावती। और ये कितने क्यूट लग रहे हैं, ओह माय गॉड। हमने वहाँ से एंट्रेंस लिया था, वहाँ से घूम के भी आ रहे हैं और अभी हम लोग को लेट हो रहा है इसलिए भाग रहे हैं हम लोग। चलो 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 जल्दी जल्दी। इस लकड़ी में कभी घून नहीं लगता है। वाओ यहाँ पे मिरर, इसमें हम भी हाय बोल देते हैं। सिल्वर चेयर्स, ये सारी सिल्वर चेयर्स है। सिल्वर का चेयर है और ये पूरा चंदन की लकड़ी से बना हुआ है। कहाँ है हाथी का दांत? ओ ये जो बीच में दो लगाए हुए हैं ये हाथी के दांत के हैं। कितना बढ़िया लग रहा है लेकिन ये गोल्डन है ना भाभी? हाँ यार बहुत सुंदर है। इतने अमीर थे वो लोग। एग्जैक्टली, हाथी के पूरे दांत पीछे लगा रखे हैं, हर एक उसके पीछे हाथी के दांत लगा रखे हैं। तो मैसूर में तो हाथी होते ना, इसी बहाने तुम भी टच कर रहे हो, मेरे को मालूम है। ऐसे करने से उनके दांत को सिलेक्ट करने जाता है।
पैलेस के बाहर का व्यू है ये पूरा पैलेस है। अभी बहुत ही ज़्यादा रश है, हमको मालूम नहीं कि सब लोग कैसे देखेंगे। पैलेस बहुत ही अच्छा है, इंटीरियर से देखने लायक है, यहाँ पे इतना बढ़िया है। मोस्टली यहाँ पे हर जगह मैं ज़्यादा देखती हूँ ब्लूइश कलर का जो नक्काशी है वो ज़्यादा किया हुआ है, और यहाँ पे ये पूरा दरबार है, यहाँ महाराजा बैठते थे। पापा शीशा दिखा रहे हैं, यहाँ पे पीछे भी शीशा लगा हुआ है, वहाँ पे देखो, उधर देखो, जो रियर जो रियल पिलर है। आप लोग जो इसको टच करते हैं ऐसा टच मत कीजिए, क्योंकि ऐसा कवर कर देते हैं ये लोग प्लास्टिक से, ताकि इसकी जो शान है वो कम ना हो जाए, है ना? Yes. इसीलिए इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे सब लोग एक साथ सेल्फी ले लेते हैं। सरप्राइजेस, ओ बेटा सही है यार, इसकी फोटो ले लेते ले पहले। ये पैर में बार बार चोट लग जा रही है इनके। हे माँ माता रानी काहे बैठ गई नीचे। इतना ब्यूटीफुल तो मैंने इतना ब्यूटीफुल मैंने सिर्फ फिल्म सिटी में देखा था अभी तक दरबार, लेकिन रियल में इतना अच्छा कभी नहीं देखा। ये प्राइवेट दरबार है। माय गॉड, कुछ आभूषण है आई थिंक हाथी के ऊपर लगाने वाले हैं, लेकिन मैसूर दशहरा हाथी के आभूषण, आई वॉज राइट, वाओ। इसको बाद में पढ़ेंगे हम, लेकिन दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। पूरा हो गया ना टूर? उधर क्या? हाँ मम्मी बताओ कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। खुश हो गया मन? पूरा दिन देखते रहे, असली दरबार जैसा लग रहा है ना? क्यों पापा, असली दरबार जैसा लग रहा है? नहीं मजा आया, असली है ये दरबार, मतलब असली है, बट मतलब अभी लग रहा है कि अभी बैठ जाएगी वहाँ सेना जाके। हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इसमें लगी हुई है, वो तो है, सोने का सिंहासन बना रखा है। करोड़ रुपए बना भी तो रहे, एक आदमी का 100 रुपए। हाँ आप, लेकिन वो तो गवर्नमेंट भी उसमें जा रहा है ना, गवर्नमेंट कर रही है। आप लोगों ने पैलेस देख लिया, काफी अच्छा लगा हम लोगों को पैलेस, अच्छा लगा। और इधर बहुत भीड़ है, इसलिए मास्क हम लोग के हाथ में है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मास्क लगाना। तो कैसे भी ढक ले रहे हैं, बट हम बाहर जाते भी, और बहुत भीड़ है यहाँ पे देख सकते हैं। ओवरऑल पैलेस बहुत अच्छा है, आप लोगों को कम से कम यहाँ पे 3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं आराम से। जितना हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं उतना ही लेट हो रहा है। एग्जिट वहाँ से है, तो हम लोग घूम के आएंगे अभी, एग्जिट करेंगे वहाँ से। हम लोग सोच रहे थे इधर से ही फटाक से निकल जाएंगे। ये है असली पैलेस का ऊपर वाला जो दिख रहा है। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर भी है। ये हमारी दोनों घूमें डिस्कस करती हुई। तो यहाँ पे टेंपल भी है, कृष्ण भगवान का टेंपल लग रहा है। हाँ कृष्ण स्वामी प्रसाना टेंपल,
देख रहे हो पापा टेम्पल भी है यहाँ पे। चलो अभी वाओ। मेरे पीछे भी एक टेम्पल है जो कि बहुत ही बड़ा है। अब मेरे को भागना पड़ेगा पार्किंग की ओर, बिकॉज सब लोग पार्किंग की ओर ही भाग रहे हैं। मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। आज की सबसे बढ़िया बात यह है कि जो यहाँ का मौसम है सबसे पहले एक्सेलेंट, मैसूर पैलेस उससे भी ज़्यादा एक्सेलेंट। और इसके बाद आज हम अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर जितना आपने देखा अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। लोकल बस है, लोकल बस नहीं टूरिस्ट बस है, सॉरी, जो कि जा रही है आप देख सकते हैं। इसी में यहाँ पे सबको घुमाते हैं और बहुत तेजी से निकल गई। हमें गाड़ी में बैठते हैं।